हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो कि क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए और आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड वाला बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दो और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप अगर चाहें तो हमारे चैनल के द्वारा चलाए गए जो मेंबरशिप प्लान है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान जो है चलाया गया है, आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यूट्यूब पे आपको कॉमर्स की पाठशाला सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमारे चैनल के नाम के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ तीन तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, एनसीईआरटी 11 12, इग्नू बीकॉम और इग्नू एमकॉम। आप एमकॉम से बिलोंग करते हो, आपको एमकॉम वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करके हमारे ज्वाइन वाले बटन के थ्रू आपको मेंबरशिप प्लान जो है ले लेना है। इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे मिलता है वो ये है कि आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही सस्ते दामों पे। आपको बहुत रुपए यहाँ पे खर्च नहीं करने होंगे, बहुत ही सस्ते दामों पे आपके नोट्स मिल जाएंगे। आपको ट्यूशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, जिसको पढ़ के आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ आपको फ्री असाइनमेंट्स मिलेंगी। आप अगर असाइनमेंट आपने अभी तक सबमिट नहीं करा है तो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ताकि आप जल्दी से अपने असाइनमेंट्स को लिख करके असाइनमेंट को सबमिट कर दो। उसके बाद का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। आप जो चाहे क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, अपने कोर्स के रिगार्डिंग, एनी क्वेरी इफ यू हैव, आपको जो है वहां पे तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा। चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपके एडमिशन, आपके री रजिस्ट्रेशन, आपके असाइनमेंट्स, आपके फॉर्म फिलअप से रिगार्डिंग, या कुछ भी चीजें आपको जाननी हो, वो सारी की सारी सपोर्ट्स आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। आपने करना क्या, आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन करना है, और उसके बाद यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में जाकर के यहाँ पे देखो, एक व्हाट्सएप का लिंक मैंने प्रोवाइड करा के रखा है कि आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। आपको पहले पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद फिर आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि हमारे अगर आप थॉरली स्टडी करना चाहते हो, अगर आप वन बाय वन स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको इग्नू एमकॉम का सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां पे ढेर सारी वीडियोस है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, ठीक है ना। तो ये पूरी बात मैंने आपको बता दी। अब हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि एक्सपोर्ट पॉलिसी है। हमारे इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो है फ्री एक्सपोर्ट्स, है ना। ऑल गुड्स मे बी एक्सपोर्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट सच एक्सपोर्ट्स आर गाइडेड बाई आईटीसी, एचएस और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस पॉलिसी और एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स, है ना। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जितने भी सारे गुड्स हैं, आप सारे गुड्स को एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह के प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन है, तो जिस एक्सटेंट तक आपको अलाउ किया जा रहा है, आपको उस एक्सटेंट तक ही मौका दिया जाएगा, है ना। तो जितने भी सारे गुड्स हैं आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट, है ना, सच एक्सपोर्ट्स आर रेगुलेटेड बाय द आईटीसी। अब वो सारे एक्सपोर्ट जो है आईटीसी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो आईटीसी ने सपोज बोला कि आप 100 करोड़ के एक्सपोर्ट जो है आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको करोगे तो फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको झेलनी पड़ेंगे, है ना। तो जब तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आईटीसी ने जो भी प्रोविजंस बनाए हैं, जो भी पॉलिसी है उनकी, उसके अकॉर्डिंग आप फ्री एक्सपोर्ट्स कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस या फिर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं लगाया गया है। डिनोमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, ऑल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनवॉइसेस शैल बी डिनोमिनेटेड इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स शैल बी रियलाइज इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, है ना। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जितने भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो भी उसके द्वारा जो इनवॉइसेस बनेंगे, जो बिल्स बनेंगे, उनका जो डिनोमिनेशन है वो कन्वर्टेबल, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में किया जाएगा। सपोज इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो आपको डॉलर को मानना है,
बेस्ड उसी के बेसिस पे आपको जो है कन्वर्ट करके अपना करेंसी का जो है आदान प्रदान करना है। सपोज इंडिया नेपाल के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो नेपाल में आपने सुना होगा नेपाल में रुपी चलता है, हमारे इंडिया का जो रुपी है वो वहां चलता है, तो आप यहाँ पे कन्वर्टेबल रुपी यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको डिनोमिनेशन मेंशन करना होगा कि इतना इतना का डिनोमिनेशन में हम ट्रेड करेंगे, हमारा जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड होगा उसका जो रियलाइजेशन होगा उसको भी हम कन्वर्ट कराएंगे हमारी जो करेंसी होगी उस चीज में, है ना। एक तरीके से जो डिनोमिनेशन होता है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा देखो एग्जांपल दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर व्हिच पेमेंट्स आर रिसीव्ड थ्रू द एशियन क्लियरिंग यूनियन शैल बी डिनोमिनेटेड इन ACU डॉलर, है ना। तो जो पेमेंट्स हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से, देखो वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, है ना, वो किसी के थ्रू होकर के आते हैं। अब जिस चीज के थ्रू होकर के आते हैं उसे हम कहते हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो एशिया में जितनी भी कंट्रीज है उन सबको एशियन क्लियरिंग यूनियन का बात मानना पड़ता है, इसलिए पैसे सारे के सारे जो है उन्हीं के पास आएंगे, फिर वो जो है डिनोमिनेशन को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे ACU में, फिर आपको जाकर के जो है पैसे मिलते हैं, है ना। तो ACU डॉलर जो है डिनोमिनेशन एक वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको पैसे जो मिलते हैं जब भी आप पैसे रिसीव करते हो, है ना। तो ये तो बात होगी डिनोमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब बात कर लेते हैं रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की, इसके बारे में हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या कहती है। इफ एन एक्सपोर्टर फेल्स टू रियलाइज द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ही शैल बी लायबल टू एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द पॉलिसी। तो सपोज कोई एक्सपोर्टर है, उसको अगर सही टाइम पे पैसे उसके नहीं मिलते हैं, उसने सामान एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन उसको पैसे जो है अपने सामान के अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि एक टाइम स्पेसिफाइड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि इस टाइम के भीतर आपको जो है मिल जाने चाहिए, पर अगर इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप एक्शन ले सकते हो या फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है विद अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी एक्ट या फिर पॉलिसी है एक्सपोर्ट पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर एक्शन लिए जाने की बात होगी वो आपके ऊपर ली जाएगी, है ना। तो रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस में ये बात बोली गई है। नाउ एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, तो आप अगर गिफ्ट्स को एक्सपोर्ट करते हो तो उस हिसाब से उसमें हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या कहती है। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी कहती है गुड्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम्स ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख इन लाइसेंसिंग मे ईयर मे बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट, है ना। तो यहाँ जो बात बोली गई वो ये है कि सपोज कोई एडिबल आइटम है, एडिबल आइटम मतलब जो आइटम जो हम लोग खा पी सकते हैं, है ना, ऐसी चीजें जिनको खाया जा सकता है, तो ऐसी अगर कोई चीजें आप अगर एज ए गिफ्ट किसी कंट्री को भेज रहे हो तो आप ₹1 लाख तक का जो सामान है वो भेज सकते हो, वो भी किस साल, जिस साल आपने अपने गुड्स का लाइसेंस करवाया है, मतलब आपने ट्रेडमार्क लिया या फिर पेटेंट लिया किसी चीज का, तो उस जिस साल आपने करवाया लाइसेंसिंग करवाया उस साल आप ₹1 लाख तक का सामान जो है आप एज ए गिफ्ट किसी कंट्री को भेज सकते हो ताकि वो लोग जो है देख करके समझ पाएंगे आपका प्रोडक्ट कैसा है वगैरह वगैरह, तो एज ए गिफ्ट आप उसको भेज सकते हो, है ना। तो ये एक तरीके से एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत बोला गया है। दोज आइटम्स मेंशन्ड एज रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट्स इन ITC HS शैल नॉट बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट विदाउट अ लाइसेंस एक्सेप्ट एडिबल आइटम्स। तो जो भी आइटम्स मेंशन किए गए हैं रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि ITC HS ने एक तरीके से आइटम्स की लिस्ट में रखा है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की लिस्ट में रखा है जहां पे उनको एक्सपोर्ट करना मना है ना, तो वो आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई लाइसेंस अवेलेबल ना हो, और खासकर वो एडिबल आइटम अगर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। एडिबल आइटम्स को भी रिस्ट्रिक्शन झेलना पड़ता है, लेकिन अगर वहां उसको अलाउ किया जाता है तो आप उसको भेज सकते हो, जैसा कि कंडीशन यहाँ पे बोला गया है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स। स्पेयर्स का मतलब होता है स्पेयर्स पार्ट्स, है ना। तो सपोज आपकी गाड़ी है, गाड़ी के जो पार्ट्स होंगे उसको स्पेयर पार्ट्स बोलेंगे, है ना। नाउ वारंटी स्पेयर्स वेदर द वेदर इंडिजिनस और इंपोर्टेड ऑफ प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी ऑटोमोबाइल्स और एनी अदर गुड्स में भी एक्सपोर्टेड अप टू 77.5% ऑफ द FOB वैल्यू, है ना, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इसको बोलते हैं, FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स अलॉन्ग विद द मेन इक्विपमेंट और सब्सिक्वेंटली। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि सपोज आपका कोई स्पेयर पार्ट है जिसको आपको एक्सपोर्ट कराने हैं, है ना, तो एक FOB वैल्यू होती है, फ्री ऑन बोर्ड सपोज 1 करोड़ की वैल्यू है, तो उसका 7.5% तक का जो हिस्सा होगा वो आप एक्सपोर्ट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप भेज सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो वारंटी स्पेयर्स हो गया, चाहे वो इंडिजिनस हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्टेड हो, प्लांट का कोई यू नो स्पेयर्स हो या इक्विपमेंट हो किसी मशीनरी का कोई स्पेयर्स हो, तो उस केस में आप 7.5% ऑफ द FOB वैल्यू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अलॉन्ग विद द मेन इक्विपमेंट, जो आपका मेन इक्विपमेंट है उसके साथ आप 7.5% जो FOB की वैल्यू होगी आप वहां तक भेज, मतलब सपोज 1 करोड़ की आपकी वैल्यू है, 1 करोड़ में से आपका ₹75,000 का सामान जो है
आप एज ए एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप भेज सकते हो, इस पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस शैल बी डन विद इन द कॉन्ट्रैक्टेड वारंटी पीरियड ऑफ सच गुड्स। अब ये लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टेड वारंटी पीरियड है, जैसे कि सपोज एक साल की वारंटी होगी, दो साल की वारंटी होगी, उसके भीतर अगर कोई इश्यू होता है तो ही आप भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि वारंटी पीरियड के बाद आप भेज रहे हो, राइट, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज, है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। सो बोनाफाइड पर्सनल बैगेज, बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया कि जिसको अधिकार दिया गया है, बोनाफाइड जैसे कि मुझे अधिकार दिया गया कि मैं इस चेक को बजा सकता हूँ, बैंक में जाकर के इसको छुट्टा करवा सकता हूँ, तो बोनाफाइड मतलब किसी एक व्यक्ति को, किसी एक इंडिविजुअल को वो जो है अधिकार दिया जा रहा है। सो एक्सपोर्ट ऑफ पर्सनल पैसेंजर बैगेज, सो बोनाफाइड पर्सनल बैगेज मे बी एक्सपोर्टेड ईदर अलॉन्ग विद द पैसेंजर और इफ अनअकॉम्पेंड विद इन 1 ईयर बिफोर और आफ्टर द पैसेंजर्स डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, है ना। तो एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बैगेज के तहत किसी बोनाफाइड पर्सनल बैगेज को मे बी एक्सपोर्ट किया जा सकता है अलोंग विद द पैसेंजर, जो पैसेंजर होगा उसके साथ बैगेज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और अगर पैसेंजर नहीं साथ में जा रहा है तो उसको जो है 1 साल के भीतर, है ना, विद इन 1 ईयर बिफोर और आफ्टर द पैसेंजर्स डिपार्चर, उसके जाने के पहले या फिर जाने के बाद जो है उसको अपना बैगेज जो है मिल सकता है ना। एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज, आप सपोज आप सामान कहीं भेज रहे हो, नहीं भेज मतलब जा रहे हो, तो उस केस में आपको सामान देखना आप तक मिल नहीं पाता, आपको पहुंच नहीं पाता, तो उस केस में 1 साल तक का टाइम होता है, आपको मे बी वो दिया जा सकता है या फिर वो आप तक पहुंच सकता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज में ये नियम काम करता है ना। दोज आइटम्स मेंशनड एज रिस्ट्रिक्टेड इन ITC शैल रिक्वायर अ लाइसेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडिबल आइटम्स। तो अगर कोई ऐसा आइटम है एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज में, कोई ऐसा आइटम है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है ITC HS के अनुसार, तो उसमें आप उसको भेज नहीं सकते हैं जब तक कि वो उसको लाइसेंस प्राप्त ना हो या फिर उसको किसी भी तरह का, अगर वो एडिबल आइटम है तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज वो तो अलाउ ही उसको नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है ना। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो ऐसे गुड्स जिनका जिनको आप इंपोर्ट कर रहे हो, है ना। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, आपने पहले इंपोर्ट करा, फिर उसको कुछ करके आपने तैयार करके फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करा, तो इसको लेकर के हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं। सो गुड्स इंपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपको गुड्स इंपोर्ट करवाने हैं, मे बी एक्सपोर्टेड इन द सेम सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, है ना। तो यहाँ पे बिना किसी लाइसेंस के आपने सपोज कोई गुड्स को अगर मंगवाया है, तो आपको अगर उसी गुड्स को वापस एक्सपोर्ट करना है विद द सेम और सब्सटेंशियली मतलब सेम चीज को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप विदाउट लाइसेंस आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये ट्रेड पॉलिसी में ये बात बोली गई है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में ये बात बोली गई है। दिस कैन बी डन प्रोवाइडेड दैट द आइटम टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इज नॉट मेंशनड एज रिस्ट्रिक्टेड फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इन द ITC HS। अब इसको आप तभी कर सकते हो जब ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम में मेंशन ना हो। अगर वो जो भी आइटम आपने मंगवाया था फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो आइटम अगर रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऑफ ITC HS में अगर मेंशनड है, तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे जब तक कि उसको कोई स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस ना मिल जाए, है ना। एक्सेप्ट इन आइटम्स इंपोर्टेड अंडर स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस, है ना। तो ऐसे आइटम्स अगर आपने स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस के तहत मंगवाया है तो भी आप उस चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं ओवरऑल थोड़ा फिर से बता देता हूँ कि ऐसे इंपोर्टेड आइटम्स जिनको आप वापस से भेजना चाहते हो किसी कंट्री में, आप उसे भेज सकते हो, वहां पे आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस जो प्रोडक्ट है, अगर वो ITC की जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स अगर उसमें मेंशन होगा तो आप उसको नहीं भेज सकते। अगर आपने कोई आइटम मंगवाया है स्पेशल इंपॉर्टेंट लाइसेंस के तहत तो भी आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखनी होगी। एक्सपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स, सो गुड्स और पार्ट्स देयर ऑफ ऑन बीइंग एक्सपोर्टेड और फाउंड डिफेक्टिव डैमेज और अदरवाइज अनफिट फॉर यूज मे बी रिप्लेस्ड फ्री ऑफ चार्ज बाय द एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स, अगर आपने कोई सी सामान को भेजा और वो सामान जो है सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा या फिर वो सामान डैमेज है, तो आप अपने सामान को वापस भेज सकते हो बिना किसी इशू के। आप उसको फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सामान को वापस भेज सकते हो जब आपका सामान सपोज डैमेज हो गया या सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा या फिर वो डिफेक्टिव है ना। उस केस में पसंद नहीं आ रहा वाला तो नहीं, डिफेक्टिव और डैमेज अगर होगा तो ही ये पॉलिसी में ये काम करेगा, है ना। सच गुड्स शैल बी अलाउड क्लियरेंस बाय द कस्टम्स अथॉरिटी
provided that the replacement goods are not mentioned as restricted items for export ITC. यहाँ पे भी सेम बात बोली जा रही है कि अगर ITC के restricted items में वो mention है, तो आप उसको भेज ही नहीं सकते, पर अगर mention नहीं है तो आप free of cost जो है उसको बाहर भेज सकते हो। लिखा देखो लिखा हुआ है, गुड्स शैल बी अलाउड क्लियरेंस बाई द कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वो मेंशन नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में जो कि आईटीसी एचएस के द्वारा पब्लिश किया गया है। सो दिस इज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, ट्रेड नहीं एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, जहां पे मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स को बता दिया है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स काफी पसंद आए होंगे, आपको एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। लाइक करो हमारे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।